नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एन आर्ट्स में। आज हम बताने जा रहे हैं एक थैला जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ, हमारे जो ब्लाउज पीसेस हैं वो पीस यूज़ करने वाली हूँ। तो ये है हमारा जो पट्टी मैंने ली है, हमारी 14x4 इंच की हमारी पट्टी है, जो मैंने अभी पट्टी मेजर की है, 14x4 इंच की हमारी पट्टी है ग्रीन कलर की। और ये जो हमारा ब्लाउज पीस है वो है 14x, क्योंकि मैं साइज देख 14x12 इंच के, 14x12 इंच के हमारे ये पीस है। तो ये मैंने दो पीसेस ले लिए हैं, वैसे वो जो पट्टियाँ हैं वो भी मैंने दो ले लिए हैं। देखिए इस तरीके से अब हम ये उठाएंगे पट्टी और नीचे की तरफ लगा देंगे, जो 14 वाला जो हमारा पोर्शन है वहाँ पर हम अटैच करेंगे। सेम दूसरा पीस भी करेंगे। अब हम ये एक मैंने चावल की बोरी ली है, बोरी हम एक जो हम बीच में फोम की तरह यूज़ करेंगे। देखिए ये भी इसका भी साइज़ है 14x17 इंचेस, ये 14x17 इंच की हमारी बोरी है। तो अब हम एक पीस साइड में रख लेंगे, देखिए ये दोनों पीस हम साइड में रख लेते हैं। फिलहाल मैंने ये जो तैयार किया हुआ पीस है, देखिए ये मैंने अटैच करके तैयार किया है, ये हम इस पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो हम मैंने अभी ये बीच में से फोल्ड कर लिया है, बीच में से फोल्ड करके हमें इसके साइजेस लेने हैं। तो ये जो खुला वाला पोर्शन है ऊपर वाला, वहाँ से हमें 3 इंच पे निशान कर देना। देखिए 3 इंच पे मैंने निशान कर दिया। अब ये हमें ये जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ से हमें थोड़ा सा शेप लेके हमें ये इस तरीके से शेप दे के ये अटैच कर लेना है। देखिए ये पीस मेरा काफ़ी धागे वाला है, इसके धागे उलझ निकल रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। देखिए अब वहाँ से मैंने 1.5 इंच पर, 2 इंच पर मैंने निशान कर लिया। देखिए 2 इंच पर निशान कर लिया मैंने, ये हैंडल से निशान हो गया। वहाँ से 2 इंच के नीचे से 1.5 इंच पर और एक निशान करेंगे, और वहाँ से और 1.5 इंच पर, मतलब ये हमें जस्ट हैंडल के लिए हमें ये साइजेस ले लेनी है। देखिए ये चॉपर बन गया और ये वहाँ का निशान, ऊपर का निशान। अब ये निशान हम कट कर लेंगे, इस निशान से कट कर लेना है हमें। दोनों भी निशान जो मैंने बनाए थे वहाँ से मैंने कपड़े को ऐसे हाथ में फोल्ड करके ही मैंने ये कटिंग कर ली है। अब दूसरा पीस लेके पहले पीस को ऐसे रख के हम सेम निशान पर हम ये कट लगा देंगे। देखिए ये हम पहले भी कट कर सकते हैं, या फिर हम और एक चीज़ कर सकते हैं। देखिए ये कट किया हुआ पीस मैंने एक ले लिया है पहले। अब हम पहले जो बोरी का मैंने पीस काट के रखा था 14x17 इंच का, वो पहले लेंगे। फिर दूसरा पीस जो मैंने उसमें कुछ भी कट नहीं किया था वो लिया है मैंने। फिर उस पर, उसके ऊपर हम ये जो कटिंग वाला पीस है ये उल्टा रख लेंगे। देखिए उल्टा रख लिया हमने पीस। देखिए अच्छे से ये जो लाइन से लाइन हमें मिला लेनी है, देखिए, क्योंकि नीचे से ये प्रॉपरली आना चाहिए, सेम दिखना चाहिए। अंदर और बाहर मैं सेम कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, वो तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। देखिए सेम कपड़ा इस्तेमाल होगा और जो हमारा बोरी का पीस है वो अंदर की साइड चला जाएगा फोम की तरह। अब हमें इस साइड में सिर्फ जो हैंडल है, हैंडल की साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद हम ये नीचे से करेंगे। हम नीचे भी थोड़ी सी गोलाई देने वाले हैं, लेकिन हम ये बाद में करेंगे। फिलहाल हम साइड में सिलाई लगा ली है हमने, देखिए हैंडल के साइड में। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हमें कट करना है। तो इसको कट करने का थोड़ा इजी तरीका है, देखिए इसको थोड़ा सा उठा के हम फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ से आप छोटा सा कट लगा देंगे, छोटा सा कट लगा लिया हमने। अब हम फिर से ये खोल के पूरी तरीके से अच्छे से शेप में कट कर सकते हैं। देखिए शेप में कट हो गया। अब हम इसके बाजू में छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। देखिए इस तरीके से छोटे छोटे हमें नॉचेस लगा लेने हैं, ताकि हमें ये सीधा करने में आसानी होगी। और अब हमें ये साइड का भी एरिया कट कर लेना है। देखिए ये साइड का भी हम कट कर लेंगे। देखिए साइड का भी एरिया कट हो गया हमारा। देखिए और ये मैंने नीचे से भी थोड़ी सी गोलाई दे दी है,
एकदम थोड़ी सी मैंने गोलाई दे दिया। देखिए अब ये जो पोर्शन है ये उठा के हमें अंदर की तरफ डाल देना है, जो हैंडल का पोर्शन था वहाँ से हमें अंदर की तरफ डालना है और अब ये हम सीधा कर लेंगे। देखिए अच्छे से सीधा कर लिए, कर लीजिए और अच्छी तरीके से ये मिला दीजिए। हैंडल का जो पोर्शन है हमें वो अच्छे से उठा के सीधे से करना है। देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से रख के सीधे करना है और इसको हमें अब हम ये पिन से सेट कर लेंगे और अब हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है, सिलाई हो जाएगी अब पूरे में सिलाई कर लेंगे। अब मैंने ये पट्टी ली है, ये जो कि मैंने डबल वाली तैयार करके रखी है मैंने पट्टी, इसके साइज दिखा देती हूँ। ये 4 इंच है विड्थ में, 4 इंच है और ऐसे ये मैंने डबल फोल्ड करके रखी हुई है तो इसका कितना 19 इंचेस आ रहा है, मतलब ये 38 इंच बाय 4 इंच की पट्टी है, 38 बाय 4 इंच की पट्टी है। अब हमें क्या करना है, ये मैंने जो पोर्शन बना के रखा था उस पर ये इस तरीके से रख के हम यहाँ से पूरा अटैच कर देंगे, पूरे में हम अटैच कर देंगे। बाद में जो भी एक्स्ट्रा होगी ये पट्टी हम वो काट के निकाल देंगे। इस तरीके से हमें साइड से पूरा सिल लेना है। ये सिल के हो गया, अब हम दूसरा सेम पोर्शन में दूसरा इसी तरीके से बनाया है वो भी हम यहाँ से सिल देंगे। देखिए सिल के हो गया मेरा ये पोर्शन, सिल के हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा बचा था दूसरा साइड मेरा एक्स्ट्रा बचा था, पट्टी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा लंबी ली थी तो वो हम अभी कट कर लेंगे। देखिए जितना एक्स्ट्रा बचा है हम वो कट कर लेंगे, कट कर लिया। देखिए अब हम ये थैली सीधी कर लेते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इसलिए मैंने ये बनाया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो साइड का पोर्शन है धागे वागे अगर कुछ लगे हो तो वो निकाल दीजिए। अब मैंने ये साइड का जो मतलब ऊपर का जो हैंडल है वो हमारा अभी भी अनफिनिश्ड है तो उसके लिए भी हम ये कपड़ा लेके क्रॉस पट्टी बनाएंगे इसकी। देखिए इसकी क्रॉस पट्टी बना के अटैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ और इस पर हम पाइपिंग कर लेंगे ऊपर से। देखिए उसके पहले मैं हम ये थोड़ा सा उभर के आने के लिए यहाँ से इस तरीके से पकड़ के हम ये सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है, ये थोड़ा सा उभर के आ रहा है। देखिए थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा सा स्टिफनेस भी आ गई है और थोड़ा उभर के आ रहा है तो अच्छा भी दिख रहा है। हो गया हमारा, अब हम इसमें फिनिशिंग कर देंगे। देखिए मेरी क्रॉस पट्टी रेडी है, इसमें से अच्छा हो रहा है। अब हम इसको पहले इस तरीके से उल्टा रख के हम सिलाई कर लेंगे, पूरे में सिलाई कर लेंगे ऐसे और बाद में इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की तरफ ऐसे हम सिलाई कर लेंगे, मतलब हमारी पाइपिंग फिनिश हो जाएगी। देखिए मेरी पाइपिंग हो चुकी है और इस पर अच्छा सा लुक भी आ रहा है। अब देखिए अंदर भी काफ़ी अच्छी जगह है, देखिए विड्थ भी हमारी अच्छी आ गई है, काफ़ी सामान बैठ सकता है इसमें। देखिए हमारी रेडी है।